सुशांत सिंह राजपूत 18 जून को भारत छोड़ने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में। मैं हूं आपके साथ आयशा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सुशांत सिंह राजपूत 18 जून को इस भारत को छोड़ने वाले थे। 18 जून को सुशांत सिंह राजपूत की फ्लाइट थी, वो भी लंदन के लिए। दोस्तों आखिर सुशांत सिंह राजपूत भारत क्यों छोड़ने वाले थे और आखिर वो बिना बताए टिकट करवा कर क्यों बैठे थे, जबकि इस बारे में ना ही सुशांत की फैमिली को कोई खबर थी और ना ही उनकी बहनों को। बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में सिद्धार्थ पठानी के साथ साथ उनके किसी भी करीबी को भी इस बारे में खबर नहीं थी। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने टिकट 9 जून को बुक करवाई थी। इसका मतलब साफ था कि दिशा सालियान के इस दुनिया से चले जाने के बाद सुशांत भारत छोड़ना चाहते थे। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने दिशा सालियान के साथ गलत किया, उन लोगों ने ही सुशांत सिंह राजपूत को अभी अपने चपेटे में ले लिया था। हालांकि सुशांत उनके चपेटे में फंस भी गए। दुख की बात यह है कि इस टिकट को सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने के 8वें दिन देखा गया। बताया ये भी जा रहा है कि वो भी सुशांत सिंह राजपूत के टिकट को उनके घर में नहीं बल्कि जिस ब्रोकर के जरिए उन्होंने टिकट कन्फर्म करवाया था, उस ब्रोकर के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। दोस्तों आपको जानकर ये और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि सुशांत ने ना ही उस ब्रोकर से फ़ोन पे बात किया था और ना ही किसी भी व्हाट्सअप या फिर इंस्टा से, बल्कि वो उस ब्रोकर से खुद मिले थे और उन्होंने जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक करवाने की मांग की थी। इसका मतलब साफ है कि सुशांत किसी से डरे हुए थे, अपने दिल की बात वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। दोस्तों आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था, ये तो तब खुलासा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे CBI ऑफिसर से किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सुशांत के साथ सचमुच गलत हुआ है, तो कमेंट के जरिए आकर #justiceforSSR ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।